इस चीज के लिए यहाँ पे आए हैं, इस फिल्म की बात करने आए हैं, तो गिव इट अप फॉर दिस फिल्म मेकर एक्स्ट्रॉर्डिनेयर अजय देवगन। मैं चाह रहा था कि सब ये 3D में देखें, लेकिन थोड़ा मेरा 3D डिले हो गया फॉर द प्रोमो, सो दो दिन बाद रेडी होगा। काश मैं फिर से बुला के सबको दिखा सकता। आई थॉट जो बोला कि लुक है वो थोड़ी आज कैरी फॉरवर्ड कर लूँ, तो पूरी फिल्म में एक ऐसा ही लुक है, गमछा कुर्ता एंड माथे पे भस्म है, वो अब नहीं लगाई थी आज, बट अदरवाइज या दिस इज द भोला लुक। आई थिंक सिंसियरिटी सभी में होती है, एवरी फिल्म मेकर, नॉट इवन जस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री, आई मीन हर आदमी जो काम करता है उसमें अपनी पूरी सिंसियरिटी डालने की कोशिश करता है, और कुछ चीज़ें सही पड़ती हैं, कुछ चीज़ें गलत पड़ती हैं, तो यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द होल प्रोजेक्ट, एवरी पार्ट ऑफ द फिल्म। ऐसी कोई एक चीज़ नहीं है जिसपे आपको हाफ करना है, सो इट्स बेसिकली आई थिंक फिल्म मेकिंग इज अबाउट स्टोरी टेलिंग, अगर सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टोरी टेलिंग एंड एवरीथिंग एल्स फॉल्स इनटू प्लेस। हंसते नहीं है, नहीं है, मुस्कुराते हैं, वैसे भी कम बात करते और कम हंसते हैं, बट जब वो डायरेक्टर होते तो आप इनके पास जाइए ही मत। जंप मारो ट्रक पे से, फिर ऐसे किक मारो, फिर जंप करो, फिर ये करो, फिर ऐसे पंच करो, फिर गिर जाओ, बस सिंपल, दैट्स हिज इंस्ट्रक्शन फॉर माय एक्शन। अजय सर के साथ मैंने काफी फिल्में साथ में की हैं, एंड इनसे ज़्यादा डेडिकेटेड एक्टर और डायरेक्टर मैंने देखा नहीं है, जिस तरीके से ये इतनी फिल्मों मेहनत करते हैं और वो हम सब देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड थैंकफुल टू हिम कि काफ़ी फिल्मों में मुझे अपने साथ एसोसिएट होने का मौका देते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब हमारी फिल्में, इंडस्ट्री की फिल्में चलती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत फ़ायदा इंडस्ट्री को होता है। सेम तरीके से आई थिंक राजमौली हैज़ टेकन द फिल्म इंटरनेशनली, और आज अगर हम पेपर में स्टेटमेंट्स देख रहे हैं जेम्स कैमरॉन और ये सब जो इस फिल्मों के बाद, तो हमारी इंडस्ट्री एक रिकग्नाइज की जा रही है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है।